पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने लोजपा रामविलास के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे योग्य नहीं समझा। राजेश वर्मा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को दूर का ढोल सुहावना लगता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा निर्णय रेणु कुशवाहा ले सकती हैं। आपको बताते चले कि आज चिराग पासवान की पार्टी में 22 प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्टी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं की युवतियों की कमी है क्या? कह दिया कि संभावित देखिए चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी फूट हुई है और लगभग 22 बड़े जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी है। रेणु जी, एक समय लग रहा था कि खगड़िया से आप चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐन वक्त पर आपका टिकट काट दिया गया और ये इस्तीफा क्या कहेंगे? इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके नजर में मैं एमपी रही, मंत्री रही और हमारे मैं तो समझती थी कि मैं बहुत योग्य हूँ, तो उन्होंने योग्य नहीं समझा। और उन्होंने दुख इस बात का मुझे है कि खगड़िया लोकसभा के किसी भी युवक युवती को उन्होंने योग नहीं समझा। जिस कास्ट से दिए हैं, जितने बड़े आदमी को दिए हैं, उतना बड़ा आदमी वैसा कास्ट सारे लोग खगड़िया में बना पड़ा है। तो मुझे तकलीफ नहीं होती जब आप खगड़िया के किसी भी बेटा को और पार्टी के लोगों को देते। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो है स्थानीय जो दल के नेता थे उनकी उपेक्षा हुई, टिकट बेच दिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ टिकट बेच दिया गया। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पार्टी में भी स्थानीय लोग योग्य थे, आपने उन्होंने टिकट नहीं दिया। आपने उनकी योग्यता पर, उनकी कर्मठता पर, उनके डिवोशन पर आपने प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। ये गलत है, ये मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने तो कहा है कि युवाओं का साथ है। तो हमारे पार्टी में कोई लोजपा रामविलास पार्टी में कोई युवा कमी है क्या? पढ़े लिखे की कमी है क्या? महिलाओं की युवतियों की कमी है क्या? उन्होंने कह दिया कि सांभवी भी आ गए हैं, राजेश वर्मा। तो इसीलिए कह रहे हैं आप वही कह रहे हैं कि उनको दूर का ढोल सुहाना लगता है। अपना घर का लोग नहीं कहता है कि घर की मुनगी दाल बराबर। आगे की रणनीति युवाओं का हक न मारा जाए, कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, उसको वो उचित मुआवजा मिले, उसका जो उन्होंने काम किया है उसको फल मिले। इसीलिए आगे की के लिए हम उसकी रणनीति जल्द तय करके आप लोगों के समक्ष आएंगे। नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। तो देखिए, ये थी रेणु देवी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कोई पार्टी तो हालांकि वो ज्वाइन नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने आज पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जैसे जो क्षेत्रीय जो दलगत जो लोग थे उनकी उपेक्षा की गई है। बने रही रफ्तार मीडिया के साथ, पटना से मैं सुधीर गुरु।